एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी सामान्य जानकारी जनरल स्टडीज हम कर रहे थे। इसके अंतर्गत ही आज का टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, रेडिया या रेडियस। तो हमने देखा उत्कृष्ट गैसों के उत्पाद को छोड़कर सारी सार धातुएं अपने आप में बड़े आकार के होते हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैसें होते हैं जो लास्ट में उनको छोड़कर से सबसे बड़े होते हैं, कि उत्कृष्ट गैसें से बड़ी हो जाती हैं, उनका भी कंप्लीट हो जाता है इसका बाह्य कक्षक। इसलिए सारे धातुओं की आयनिक त्रिज्या इनकी परमाणु त्रिज्या की अपेक्षा कम होती है। बाह्य पहला है इसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NS1, यानी सारे धातुओं में पृथक होने पर मुख्य कोष में कमी हो जाती है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी से प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है जिससे आकार छोटा होता है। सारे मृदा धातुओं के परमाणु एवं आयनिक आकार सदैव क्षार धातुओं से कम होते हैं, क्योंकि वर्ग फर्स्ट का बाह्यतम विन्यास NS1 एवं वर्ग टू का बाह्यतम विन्यास NS2 है। अर्थात अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी NS कक्षक में प्रवेश करता है तथा इसके साथ ही नाभिक में एक प्रोटॉन भी बढ़ता है। इस अवस्था में प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, आकार में कमी आती है। यानी कि फर्स्ट वर्ग NS1 होता है और सेकंड वर्ग का इलेक्ट्रॉन सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉन NS2 होता है। तो फर्स्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन त्याग के इसका नोबल गैस का रूप धारण कर लेता है और सेकेंड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग के नोबल गैस का रूप धारण कर लेता। इससे इनका नाभिक आवेश बढ़ जाता है, तो नाभिक आवेश बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, तो इसमें अधिक गति से आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉनों को, अधिक तीव्रता से आकर्षित करता है, इससे इसके आकार में कमी आ जाती है। फिर हम इसका कुछ अध्ययन करते हैं। सारे धातुओं की परमाणु आयनिक त्रिज्या देख रहे हैं हम यहाँ पर। तत्व है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। परमाणु त्रिज्या PM में इसको देखेंगे तो 152 लिथियम की है, सोडियम की 186 है, पोटेशियम की 227 है, रूबिडियम की 248 है, सीजियम की 265 है और फ्रेंसियम की 275 है। यानी कि परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ रही है, लिथियम से लेकर फ्रेंसियम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। फिर इसकी आयनिक त्रिज्या देखते हैं जो कि M+ के रूप में होती है। इसकी PM में 76 होती है लिथियम की, सोडियम की 102 होती है, पोटेशियम की 138 होती है, रूबिडियम की 152 होती है, सीजियम की 167 होती है। तो प्लस चार्ज के रूप में भी इनकी त्रिज्या लगातार बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो दोनों ही पोजिशन चाहे परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, तो हमने देखा कि लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक ये बढ़ती है और परमाणु त्रिज्या से आयनिक त्रिज्या हमेशा कम होती है। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें सारे मृदा धातु के परमाणु आयनिक त्रिज्या को देखते हैं। तो सारे मृदा धातु हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरिलियम और रेडियम। तो हम परमाणु त्रिज्या देखते हैं PM में, तो 112 है बेरियम की और 160 है मैग्नीशियम की, 197 है कैल्शियम की, स्ट्रॉन्शियम की 215 है और बेरियम की 222 है और रेडियम की, रेडियो एक्टिव होता है ये। आयनिक त्रिज्या हम देखते हैं +2 के रूप में PM में ही, तो बेरिलियम की 45 है, मैग्नीशियम की 72 है, कैल्शियम 100 है, स्ट्रॉन्शियम की 118 है, बेरियम की 225 और रेडियम की 148। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम, रेडियम को छोड़ दिया जाए तो इनकी त्रिज्या लगातार बढ़ रही है ऊपर से नीचे जाने पर। सेकंड वर्ग के में भी चाहे वो परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, दोनों ही बढ़ती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट है आयनिक विभव, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। सभी सार धातुओं द्वारा बाह्यतम NS1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त किया जाता है, अतः इनके प्रथम आयनों के मान अत्यधिक कम होते हैं एवं अपने आवर्त में न्यूनतम होते हैं। यानी कि जिसके पास में सभ्य बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो सारे धातु हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये त्यागेंगे तो उनके लिए एनर्जी कम आवश्यकता पड़ती है, तो इनका आयनन भी इनके आवर्त में सबसे कम होता है।
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर मुख्य कोश में वृद्धि हो जाती है जिससे इसके आकार बढ़ता है। हमने अभी देखा त्रिज्या इसकी आयनों के मानों में कमी होती चली जाती है। त्रिज्या जैसे बढ़ेगी तो नाभिक से उसकी दूरी बढ़ जाती है, नाभिक से दूरी बढ़ने से उनका आयनन व्यव कम हो जाता है। सीजियम का आयनन व्यव न्यूनतम होने के कारण इसका उपयोग फोटोसेल में किया जाता है। इन तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर एक संयोजी धन आयन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो नीचे नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो धन आयन बहुत जल्दी बनाएगा। सभी सारे धातुओं के प्लस वन ऑक्सीजन अवस्थाएँ दर्शाते हैं, प्लस टू नहीं दर्शाते, क्योंकि जैसे नोबल गैस का रूप धारण कर लेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जो जनरली सामान्य अवस्था में नहीं मिल पाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड आदि स्थायी होते हैं। NaCl2 या KCl2 ये स्थायी नहीं होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इन्हें NH2NP6 का स्थायी विन्यास प्राप्त होता है तथा आकार में कमी के साथ ही आकार छोटा प्रभावी नाभिक ZEF होता है जो बढ़ता चला जाता है, जो प्रभावी नाभिक है वो बढ़ता चला जाता है। अतः दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो सामान्यतः संभव नहीं है, इसलिए प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था इसकी नहीं पाई जाती। फिर है लिथियम। लिथियम जो है सारी एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था नहीं पाई जाती। सारे धातुओं के प्रथम और द्वितीय आयन निवों को देखते हैं हम, तो यहाँ देखा हमने कि सारे धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये हैं। तो फर्स्ट आयन निवो इसका 520, 496, 419, 400 तो आयन निवो कम होता चला जाता है फर्स्ट आयन, और सेकेंड आयन निवो इनका बहुत ज़्यादा होता है 7298, 4562, 3051, 2633, 2200। तो सारे मृदा धातुओं के प्रथम आयनों के मान सारे धातुओं से उच्च होते हैं क्योंकि सारे मृदा धातुओं का आकार छोटे होते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन पृथक होने पर भी स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता है। सारी मृदा धातुओं के द्वितीय द्वितीय आयनन व्यव के मान क्षार धातुओं से कम होते हैं क्योंकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन पृथक होने के पश्चात स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। क्षार मृदा धातुओं के द्वितीय आयनन व्यव प्रथम की अपेक्षा अधिक होता है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन धन आयन से पृथक किया जाता है जिसका जेड इफेक्टिव अधिक आकार छोटा होता है। तो हम देखा कि क्षार मृदा धातुएँ होती हैं वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनका आकार और भी छोटा हो जाता है और छोटा आकार होने का वो कारण इनका जो आयनन व्यव का मान होता है फर्स्ट के आयनन व्यव से भी अधिक होता है। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ने के कारण आयनन के मानों में कमी होती चली जाती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। तो फर्स्ट आयनन व्यव हम देखते हैं इसका किलो जूल पर मोल में। तो सारे मृदा धातुओं के फर्स्ट आयनन व्यव 899, 737, 590, 549, 503 और 509। तो देख रहे हैं कि हम इसका आयनन व्यव लगातार कम होता चला जाता है क्योंकि आकार बढ़ रहा है। जैसे ही हम बेरिलियम से रेडियम तक आते हैं तो आकार बढ़ने के कारण से इसका फर्स्ट आयनन व्यव भी कम होता चला जाता है। इसी प्रकार सेकेंड आयनन व्यव हम देखते हैं तो बेरिलियम का 1557 है, फिर मैग्नीशियम का 1450 है, कैल्शियम 1146 है, 1064 स्ट्रॉन्शियम का है, बेरियम का 965 और रेडियम का थोड़ा सा बढ़ के 979 हो जाता है। इनका सेकंड आयनन व्यव का मान हम देखते हैं तो वो भी लगातार कम होता आ रहा है। इसका रीजन यही है वही आकार बड़ा होता चला जाता है इनका। तो हम देखेंगे सारे मृदा धातुओं के द्वितीय आयनन व्यव उच्च होने पर भी केवल प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था ही दर्शाते हैं क्योंकि विलयन में प्लस टू धन आयनों के जलयोजन में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो एम प्लस से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि सदैव MgCl2 बनाता है, MgCl नहीं बनाता है। तो सारी जो धातुएं होती हैं इनमें हम देखते हैं कि इसके प्लस वन ऑक्सीजन अवस्था ये नहीं दर्शाते हैं, सीधे प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि ये इसका
फर्स्ट और सेकंड आयन यानी रो के अंदर रिएक्शन नहीं होता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन त्याग साथ ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है। इस कारण से सारे धातुओं के आयनन रोग कम होने के कारण ये सरलता से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजन आयन बनाते हैं और क्रियाशील अधिक होते हैं। इसी कारण इन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ने पर ये वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करने पर विभिन्न यौगिक बनाकर मटमैले हो जाते हैं और अतः इन्हें मिट्टी के तेल वैसलीन में रखा जाता है। धन्यवाद।